वेलकम बैक टू जागो लाहौर। हमारे साथ कॉलर आ चुके हैं जनाब मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे? जी सर यही बताना चाह रहा था कि बच्चे की ना एक हमें प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। जी जी बताएं। तो जब इसका स्कूल जाने का टाइम होता है तो कभी कोई प्रॉब्लम जाहिर कर देता है, जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट में दर्द है, और कभी कह देगा जी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। सुबह डेली डे बाई डे इसका हमें इस बात की ना बड़ी परेशानी है कि ये इस टीचर से नहीं पढ़ना, अब इस टीचर से नहीं पढ़ना, इस टीचर से नहीं पढ़ना, इस तरह की प्रॉब्लम जो है ना बहुत आती है हमें अकेडमी के टाइम पे भी और ट्यूशन के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे भी। अच्छा एज क्या है मोहम्मद आसिफ साहब आपके बच्चे की? जी 10 साल उम्र है जी। अब्दुल्ला नाम है इसका। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आपके प्रोग्राम को बड़े अच्छी तरह से देखता है तो अगर आप इसको कुछ गाइड भी कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जबरदस्त, अब्दुल्ला को भी हम बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मोहम्मद आसिफ साहब। अब्दुल्ला को यकीनी तौर पे कोई इश्यूज आ रहे होंगे स्कूल में हाँ। जो कि वो बता नहीं पा रहा होगा, स्पेशली हरेसमेंट बुली ये चीज बहुत कॉमन है। उसको ये भी हो सकता है कि वो टीचर जिससे पढ़ा उससे भी उसको कोई प्रॉब्लम हो या कोई और कम्फर्टेबल नहीं होगा टीचर्स के साथ। दूसरा ये हो सकता है अक्सर बच्चे बिला वजह भी जिद करते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ पा रही होती कि एजुकेशन का बेसिकली पर्पस क्या है, वो स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो एक तो ये कि आप उसके स्कूल को चेक करें, दूसरा ये कि उसके टीचर्स को जाकर थोड़ा सा उसकी प्रेजेंस में कहें कि इसको थोड़ा कम्फर्ट दे दिया करें और थोड़ा ऑफ जल्दी दे दिया करें, कुछ इस तरह से करके। क्योंकि अगर बच्चा डेली बेसिस पे 10 साल का बच्चा रोकर जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पर्सनालिटी में एग्रेशन आ जाएगा और फिर 13-14 साल के बाद हार्मोनल चेंजेस और वो सारी चीजें भी होंगी। और पढ़ाई के बगैर तो आजकल बिल्कुल गुजारा नहीं। अगर बच्चा अभी से इस तरह से कर रहा है तो अब्दुल्ला से भी हम यही कहेंगे, अब्दुल्ला अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाया कर रहे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने अब्बा को बताएं। आपको लग रहा है कि आपकी टीचर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्लास फेलोज में से कोई तंग करता है, स्कूल नहीं पसंद, प्लेग्राउंड है, आप अब्बा को बताएं, वो आपका स्कूल भी चेंज कर देंगे, या आपको अगर कोई और जगह पे जाना है कहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है बेटे। और ये मैं सारे पेरेंट्स के लिए कहूंगी क्योंकि अक्सर मैं भी देखती हूँ बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के रोना शुरू कर ये पेट दर्द है, ये है, वो है, वो सारे पे कंफर्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली, देयर इज सम प्रॉब्लम इन स्कूल, प्लीज जरूर चेक। लेकिन अब्दुल्ला मामा को या बाबा को सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल में जाके उनको बताएंगे। सो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए, आपको जो भी इश्यूज है उनके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज सबसे जरूरी चीज आपकी एजुकेशन है और वो आपको खुद भी कंटिन्यू, नाउ यू आर माशाल्लाह बिग बॉय जो आपको खुद कंटिन्यू रखनी है, तो उसके लिए प्लीज अपने पेरेंट्स को बताइए कि क्या इश्यू आ रहा है। और आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी है तभी बताएंगे तो प्रॉब्लम्स हल होगी। ऐसे अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे और आपका क्लास फेलो अगर आगे निकल गया तो फिर आपको ये भी मसला होगा। अच्छा जनाब, अभी डॉक्टर सबा और हमारे साथ मावी मौजूद थे, हम डिस्कशन कर रहे कि बच्चे की शरारत जो है उससे हम उसके जिद्दी होने का या उसकी बदतमीज होने का खुद ही से नतीजा निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसी शरारत कर देता है बच्चा और हम फौरन से कह देते हैं कि ये बड़े ही बदतमीज है। हालांकि शरारत की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। मैं ये कहूंगी कि बच्चा है, उसकी एज है, उसी में तो शरारत करेगा, तो कुछ चीजों को पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करें क्योंकि पेरेंट्स के पार्ट पे टॉलरेंस इतनी कम है कि एक बच्चा जो एक दफा बुरी हरकत करता है दूसरी तीसरी दफा जब वो देखता है कि माँ बाप उसको इतना चीख चला कर जवाब देते हैं, कुछ बच्चे उसे पसंद करने लग जाते हैं, नेगेटिव अटेंशन हाँ उनको वो नहीं इतना अच्छा लगता है उनका चीखना कि वो उसके बाद दोबारा से वही हरकत वही करेंगे। सो मैं ये कहूंगी पेरेंट्स के पार्ट पे थोड़ा सा अपने आप में टॉलरेंस डेवलप करें और अगर बच्चा वही सेम हरकत दोबारा करता है तो थोड़ा स्माइल देकर करें, लाइक उसको डिफरेंट किस्म के अपने एक्सप्रेशन दे ताकि उसको पता चले कि कोई नहीं ये कौन सी बात है। फिर उसके बाद बच्चा ये करेगा वो आपको दूसरी तीसरी चीज चौथी चीज पे चेक करेगा कि अब ये क्या करते हैं। तो प्लीज अपने टॉलरेंस को डेवलप करें क्योंकि उस बच्चे की पर्सनालिटी को सिर्फ अपने एग्रेशन से खराब मत हो। ठीक है, हमारे साथ कॉलर जी सैयदा उम्मे हबीबा। अस्सलाम वालेकुम उम्मे हबीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने ये बात करनी थी, मेरा छोटा बेटा है अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद ठीक है, क्या एज है इसकी? वो 10 साल। 10 साल ठीक है। और वो इतना वीक है, उसको एक तो खाना आ गया तो उसका दिल नहीं करता खाने को, और ऊपर से वो गुजरता गुजरता इतनी वो शरारते करता है, उसको शरारते दो खाने में वो शरारते खाएगा, खाना नहीं खाएगा। अच्छा क्या किस तरह की शरारत करता है ये जानना चाहिए? ये जाते जाते ऐसे हाथ चलाकी कर दी या पाँव हिला दिया, वो जैसे किसी को गिराने के लिए टांग आगे कर दी। हाँ जी इस तरह। पढ़ाई में कैसे? इस तरह की शरारत। तो पढ़ाई में किस तरह का आपका बच्चा? पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत नाइक है मेरा। बस आपको और क्या चाहिए? ठीक है, हम अभी ये बता देते हैं इसकी शरारत के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा ये टांग वाली तो मैंने भी बहुत टांग
पता है क्या बात होती है, अभी जैसे पिछली कॉलर की भी यही इशू था और आज भी जो कॉलर्स आ रहे हैं, मैं पहले भी एक बात कर चुकी हूँ जिसको रिपीट करेंगे, आपके बॉडी को कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ जरूरतें चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा वो बहुत वीक है, वो खाना पीना नहीं खाता है, जब आपके सर्वाइवल के इश्यूज आ जाते हैं ना तो फिर वहां पे आपको वो बॉडी ने या दिमाग ने कुछ भी ऐसा करना है जिससे वो आपको सर्वाइव करवा सके, ठीक है। न्यूट्रिशन उनमें से एक सर्वाइवल इश्यू होता है, ठीक है। अब अगर वो कमजोर है या वो खाना पीना नहीं खा पा रहा है या वो खाता नहीं है, उसकी भी आगे में एक वजूहत होती है, तो डेफिनेटली उसके अंदर वो सुकून की कमी है, न्यूट्रिशनल जो आपको एक डेफिशिएंसी है उसकी वजह से उसके अंदर जो एक इरिटेबिलिटी है, जो उसके अंदर एक बेचैनी जिसको आप कह देते हैं, ये बेचैन रूह है जिसको हम कह देते हैं, वो एक्चुअली जो इरिटेबिलिटी है वो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से है, ठीक है। सो आप उसको एक तो अगर वो नहीं खा पा रहा तो आप वजह देखिए, उसके स्टमक में इश्यूज हैं, प्रॉब्ली हमेशा ये होता है क्योंकि स्टमक में बच्चे जंक फूड अगर बहुत ज्यादा होता है समटाइम्स वो ले रहा होता है या कोई ऐसी चीज ले रहा होता है जिसकी वजह से स्टमक में इन्फेक्शन होती है या पॉजिटिव फूड वो नहीं ले रहा होता स्टमक, तो इसकी वजह से वो नहीं खा पाता, उसकी वजह को आइडेंटिफाई करके। और ये जो आपने कहा ना शरारते खाता है और वो नहीं खाता, अगर वो तेज है माशाल्लाह तो जो मेंटली बच्चे तेज होते हैं उनकी सारी न्यूट्रिशन तो दिमाग में इस्तेमाल हो रही है, नॉर्मल बच्चों से और ज्यादा चाहिए उनको न्यूट्रिशन के लिए। कहूंगी इसको फिजिकल एक्सरसाइजेस में रखें जी, एग्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि उसमें एग्रेशन है, खा पी वो नहीं रहा, उससे उसका चिड़चिड़ापन आ रहा होगा जो एक्सप्रेशंस में नहीं आ रहा, वही बात जैसे पहले हमने की थी, बच्चे जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो कभी चुटकियां करते हैं। और सेकंडली अगर वो पढ़ाई में बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए ये पॉजिटिव आपके लिए होनी चाहिए जी, शरारतें आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से बच्चा जब मैच्योर होता है कम भी हो जाती है। ये कवर एक तो फिजिकल एक्सरसाइजेस में लाए, उससे वो थकेगा, उसको भूख लगेगी, दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट फूड ट्राई करें, मतलब जंक फूड नहीं, उसकी पसंद की चीजें अगर आप उसको दे उससे पूछ लें, अगर वो जंक फूड भी खाना चाहते हैं तो आप उसको घर पर कोई बर्गर कोई सैंडविच ऐसी चीज बना कर दे दें अच्छी तरह प्रेजेंटेबल, ताकि वो 100% श्योर ये जो स्लांटी और डैश 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 टाइप के जो फ्राइड किसी के क्रिस्प आते हैं, बच्चा इसमें होगा आपका, प्लीज उससे ले, उससे उसे अवॉइड करवाइए, क्योंकि वो स्टमक में ऐसे इश्यूज क्रिएट करते हैं कि आपसे खाना नहीं खाना नहीं खा। अच्छा आप छोटे छोटे एक मैसेज दोनों मेहमानों से लेंगे, मारवी आपकी जानिब से क्या मैसेज देंगे आप? हर चीज जिद नहीं होती और हर चीज शरारत नहीं होती, सबसे पहली बात ये है, अगर पहले भी ये बात हो चुकी हुई है कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है देखिए कि उसके कहीं बॉडी में कहीं कोई सर्वाइवल इश्यूज तो नहीं है जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए उसका दिमाग उसका दिल उसका जिस्म ऐसी हरकतें कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे वॉशेबल होते हैं, अगर वो कुछ मिट्टी में खेलते हैं अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं वो धुल के क्लीन होके आराम से साफ सुथरा होके वापस आ जाते हैं, कोई ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं होती बच्चों को। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों का बचपन है, उनके बचपन को उनको फुल जीने दीजिए, उनके साथ अपना बचपन बड़े होकर और बड़े मसले और नहीं मसाइल के अलावा ये उनका हक है, बचपना उनका हक है, उनको दीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए जिद और शरारत में जहां पे जरूरत, अगर ऐसे लगता है कि किसी और को तकलीफ हो रही है तो प्लीज उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उसको प्लीज ट्रीट कीजिए, मगर हर चीज को जिद और शरारत कहकर उसको ठीक हो गया सब आपकी जानिब से। मैं ये कहूंगी पेरेंट्स में एक तो टॉलरेंस आनी चाहिए, दूसरा प्लीज ट्राई टू लर्न पेरेंटिंग। हम अक्सर पूछते हैं अपनी दोस्तों से अपनी रिश्तेदारों से रेसिपी कैसे पकानी है, वो औरतें वैसे अपने बच्चों से तंग आई हुई होती हैं और वो कहती हैं इसको पीटो इसको बहुत मारो, इस बात पे तुमने इसको मारना है अगली बार, तो वो आपको नेगेटिवली प्रिपेयर करते हैं। प्लीज आप किसी प्रोफेशनल से जरूर पेरेंटिंग की टिप्स लें, नहीं तो गूगल पे या इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अवेलेबल चीजें होती है, ताकि आपको अपने बच्चे को डील करना है, क्योंकि और बच्चे के मिजाज के मुताबिक उसको डील किया जाए, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है उसको स्पेस दे थोड़ी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का जनाब। बच्चे जिद्दी होते हैं शरारती होते हैं, उनका राइट होता है कि वो अपना बचपन भरपूर तरीके से एंजॉय करे, बड़े होकर जो उनकी मुख्तलिफ मसाइल और आ जाते हैं इससे बेहतर है आप उन्हें बचपन में वो सारी चीजें जीने दें। और हाँ शरारत करते हैं गुस्सा भी आता है, लेकिन किसी पॉजिटिव अंदाज में अगर आप उनको रिस्पॉन्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की शरारत भी करेगा जो आपको भी पसंद आएगी, आप उसको एंजॉय करेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मेरे पास और भी मेहमान हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।